Now, question number two. Now see, question number two is same as question number one only. There are two things जो मैंने उधर bold करके रखा हुआ है जो question के अंदर अलग है. एक labour के सामने जरा देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Subject to minimum of क्या rupees लिखा हुआ है 72,000. बाकी मैं question नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वो same ही है. और semi variable के अंदर 10,000 के आगे कौन सा word आ गया बेटा per annum. These are the only two differences. So can we say अभी भी बेटा quantity produced और sold तो same ही रहेगा. तो मैंने वो वाला चीज उधर print करके ही रखा हुआ है. Cost sheet for 1 year quantity to be produced and sold is 43,500. एक चीज तो ये वाला है ही है ठीक है. तो अभी इसके हिसाब से हम लोग अपना cost sheet start कर रहे हैं. तो एक काम जरा करो direct material तो copy करो. पिछली बार जितना था उतना copy करो. फिक्स्ड वाला पार्ट भी कॉपी कर लो, वेरिएबल वाला पार्ट भी कॉपी कर लो. Direct labor. See now direct labor. What it is told to you over there? Subject to minimum of 72,000 rupees per annum. अभी ये minimum का मतलब क्या हो सकता है? एक बहुत बिकार सा example दे रहा हूँ ताकि बस याद रहे और कुछ नहीं. So अभी suppose for a small example, एक worker अपना factory join करता है. बोलता साहब आप मेरे को पगार कितना दोगे? मैंने बोला सुन, एक unit बनाएगा ना तेरे को 10 रुपए per unit देगा. बोलता सर ठीक है, 10 रुपए per unit वो चलेगा. अभी क्या हुआ, वो बंदा घर गया, सपने लेने स्टार्ट हो गया. अगर मैं पूरे साल का 1000 यूनिट बनाएगा तो पूरे साल के अंदर कंपनी में को कितने रुपीस का पेमेंट करेगा? 10,000. फिर उसने सोचा साल का 10,000 यूनिट बनाएगा तो पेमेंट कितना मिलेगा? 1,00,000. फिर उसने सोचा साल का 1,00,000 यूनिट बनाएगा तो पेमेंट कितना मिलेगा? 10,00,000. ओके. फिर उसने सोचा अगर मैनेजमेंट ने मेरे को काम ही नहीं दिया तो मैनेजमेंट ने बोला कुछ काम नहीं है चलो भागो इधर से. ओके. तो मैं पूरे साल के ना कितना यूनिट्स बनाएगा? 0. तो मेरा पेमेंट कितना हो जाएगा? 0. तो फिर उसको बहुत दुख हुआ. तो नेक्स्ट डे ना एक काम उसने किया, मैनेजमेंट के पास गया. बोलता साहब कुछ गारंटी तो दो ना, कितना पगार तो मिलेगा ही मिलेगा. तो मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ सोचा और वर्कर को बोला, उसको बोला सुन हम लोग देखो पूरे साल के लिए गारंटी करते हैं कि तेरे को 2,00,000 रुपए का पगार तो देंगे ही देंगे. इससे ज्यादा आया तो तेरा नसीब, लेकिन इतना पगार तो देखो मिल ही जाएगा फॉर श्योर. ठीक है, अब मेरे को सोच समझ के बोलना. इस साल के अंदर उस बंदे ने 15,000 यूनिट बनाया, 15,000 एट द रेट ऑफ 10. उस बंदे को अपने को पेमेंट कितने रुपीज का करने का था? 1,50,000. हम लोगों ने उसको गारंटी कितने का दिया हुआ है? 2,00,000. अब मेरे को सोच समझ के जरा बताओ कि मैं उस बंदे को कितने रुपीज का पेमेंट करूंगा? बोलो 2,00,000. ओके. अब नंबर बदल रहा हूं. ओके. मैंने उसको गारंटी किया ही था ना, जो भी हो जाए 2,00,000 से कम तो नहीं देगा, तो 2,00,000 तो देना पड़ेगा ना फिर. ओके. मेरे को जरा बोलो अगर कल को ये 25,000 होता तो फिर ये वाला चीज 2.5 लाख वो हो जाता, तो मेरे को बोलो फिर मैं उसको कितना पगार देता? 2,00,000. इन अदर वर्ड्स दिस और दिस वट एवर इज हायर ही विल गेट नो एज सच. ओके. तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा मिनिमम वेजेस कितने रुपीज का है? 72,000. ठीक है, ये मिनिमम वेजेस है, लेकिन मेरे को जरा बोलो बंदे का वेज रेट क्या डिसाइड हुआ हुआ है? 2 रुपीज. नीचे वर्किंग नोट 1 है, लेबर कॉस्ट. स्टार्ट करते हैं, वहां पे लिखो लेबर कॉस्ट 43,500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2, 87,000. दूसरा मिनिमम वेजेस,
मिनिमम वेजेस इन दिस पर्टिकुलर केस कितने रुपीज का गारंटी था बेटा 72. मेरे को बोलो दोनों को ऐड करके दूं क्या अमाउंट? नहीं, तो जो भी हायर होगा वी विल पे नो, तो यहां पे लिख के रख सकते हो हायर. ओके, तो चलो यहां पे डायरेक्ट लेबर 87,000 रुपीज तो आ गया. तो ये वाला फिगर तो वही हो जाएगा जो पहले भी था. अभी सेमी वेरिएबल मैं तेरे को 2 मिनट देता है भाई, बहुत ज्यादा टाइम हो गया. वो भी मेरे को तुम लोग आंसर बताना, जो भी फर्क है वो तुमको मालूम है कि फर्क क्या है. अभी उस फर्क का इंप्लीकेशन सोचो, आंसर बताओ. आंसर शुड बी हाउ मच? 65,000. देखो जो सेमी वेरिएबल का नोट पहले लिखा था ना बेटा, वही नोट है एक्चुअली. बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस एक चीज कर लेता हूं, इसको अंदर ले लेता हूं. ओके सुनो, तो यहां पर अभी ये 20,000 है, लेकिन ये जो 20,000 है ना अभी, ये क्या है? 20,000 पर एनम. कैन वी से 1 एनम इज ऑफ 12 मंथ्स नो यार. तो सम के अंदर अभी क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 रुपीज पर एनम फॉर एवरी इंक्रीज इन 25% कैपेसिटी और पर ऑफ. मेरे को जरा बोलो, क्या तुम लोग कैपेसिटी 50 to 80% पूरे साल के लिए बढ़ाने वाले हो? बोलो बोलो. नहीं, यू आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग इट इन दिस पर्टिकुलर केस फॉर हाउ मच टाइम यार? 9 मंथ्स. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस बस एक ही फर्क हो जाएगा, 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा. कितने पीरियड के लिए? 1 ईयर. लेकिन मैं 1 ईयर के लिए कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं कैपेसिटी बढ़ाने वाला हूं फॉर कितना मंथ्स यार? 9 मंथ्स. सो देयरफॉर एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने रुपीज का लग जाएगा? 15. था पिछली बार 10,000 फ्लैट था, अभी 10,000 फ्लैट नहीं है. दैट्स इट. सो देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 65,000. ओके, ये कंप्लीट कर लो वर्किंग नोट 2 एंड फिनिश ऑफ योर कॉस्ट शीट ऑल्सो.
सेलिंग प्राइस बेटा कितना आ जाता है? 17.24 you all have got. अभी लास्ट वाला ओके इस सीरीज का तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन ओके बाकी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कोई और चैप्टर के साथ होंगे ठीक है. तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए. मैं क्या बोल रहा हूँ अंडरलाइन कर लो जो जो चीजें वो अलग हैं एंड देन ट्राई टू थिंक नो तो योर सेल्फ की चेंज क्या होगा. लेबर के आगे देखो मैंने चीजें बदल डाली. सब्जेक्ट टू वहां पे क्या लिखा हुआ है 6000 पर मंथ. एक सेकेंड पिछली बार क्या था 72,000 पर है. कोई बोलते सर सेम ही तो है 72,000 पर एनम इज 6,000 रुपीज पर मंथ ऑल्सो. पहले पूरे साल का गारंटी था कि मिनिमम कितना देगा 72. अभी हर मंथ का गारंटी किया हुआ है कितना रुपीज देगा 6,000. आगे तुम लोग सोचो कुछ फर्क होएगा या नहीं होएगा. फिर दूसरा मैंने सेमी वेरिएबल के लिए फिर से वर्ड्स वो बदल डाले. एक तो 10,000 के आगे पर एनम नहीं है ठीक है और एंड के अंदर कुछ एक वर्ड्स लिखा हुआ है फॉर द ईयर एज अ होल. अभी उसका मतलब तुमको सोचने का है मेरे को नहीं सोचने का है ओके. तो एक काम जरा करो जितना स्क्रीन पे है वो तो बेटा वो ही रहेगा जो पहले था तो इतना तो कॉपी कर लो इस थर्ड कॉस्टशीट के अंदर भी. अच्छा सुनो मेरी बात. अभी तुम्हारे पास 6 मिनट है इन ऑल. तुमको मेरे को 2 अमाउंट्स कंप्यूट करके वो देने हैं एंड वन थिंग फ्रॉम माय साइड लेबर का अमाउंट इज नॉट गोइंग टू बी सेम दैट आई एम टेलिंग यू ऑल इन एडवांस. सेमी वेरिएबल आल्सो विल नॉट बी सेम ओके. तुम लोग आराम से फ्रेश अक्कल यूज करो. मेरे को 2 अमाउंट्स चाहिए. आई विल टेक केयर ऑफ द वर्किंग नोट्स बट यू गेट मी द अमाउंट्स एज सच. अभी लेबर का गारंटी 6000 पर मंथ है और सेमी वेरिएबल के ना वो वाले वर्ड्स एक्स्ट्रा आ गए. दोनों आंसर्स निकालो मेरे को दोनों बोलना 6 मिनट के अंदर. पेंसिल से वो लिख डालो या फिर जस्ट ऑन कैलसी कंप्यूट एंड टेल मी प्लीज.
चलो मेरे को दो अमाउंट बोलो, मेरे को बोलो डायरेक्ट लेबर कितना लिखा, एक तो करेक्ट बताना दोनों के अंदर से बोलो। 90 था, परफेक्ट, ओके। और ये अगर करेक्ट है तो टू गुड। सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कितना लिखा, 65, 60, 60, वो कैसे आया, वो करेक्ट है बोल। नहीं लेकिन तो 30% भी तो हो रहा है, 50 to 80 भी तो जा रही है। हाँ लेकिन उसके बाद 75 to 80 के लिए भी तो लगेगा, हर 25% के लिए वो लगता है ना। और कुछ आंसर फॉर सेमी वेरिएबल, 65 गलत है। आगे स्टार्ट करते हैं, चलो जो आया वो तो लिखते हैं पहले। ओके तो लेबर कॉस्ट का नोट बनाते हैं, लिखो जरा प्लीज। वर्किंग नोट वन लेबर, सो फर्स्ट 3 months प्रोडक्शन इज 7,500 और बेटा पर मंथ कितना हो जाएगा, 2,500 यूनिट्स। अच्छा 2,500 यूनिट्स के हिसाब से बेटा वेजेस कितना आता है, 2,500 इंटू 2 तो कितना रुपीस आ जाएगा, 5,000। लिखो 5,000। तो पहले मंथ 5,000 रुपीस आएगा, लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट कितने रुपीस का रखा हुआ है, 6,000। तो यहां पे लिख के रखो मिनिमम वेजेस 6,000। तो अपने को ऑब्वियसली यहां पर क्या लेना पड़ेगा, हायर, कितने रुपीस का, 6,000। दिस इज हायर पर मंथ, हाँ प्लीज ये सारा कैलकुलेशन अभी के लिए वन मंथ का ही कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद वो टोटल कन्वर्ट कर दो। अभी लास्ट 9 months आप लोग करो एग्जैक्टली द सेम वे। सो प्रोडक्शन इज 36,000 और कितना यूनिट्स पर मंथ बेटा, 4,000। तो वेजेस 4,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8,000। लेकिन मिनिमम कितने का था, 6,000। तो हायर जो है कितना हो जाएगा, 8,000। तो उसको फर्स्ट 3 months के लिए हर मंथ वर्कर्स को कितने रुपीस का पेमेंट आएगा, 6,000। लास्ट 9 months कितने का आ जाएगा, 8,000। एक बस मेरे को लास्ट 9 उधर एडजस्ट करके वो दे दो उधर। लिखो वेजेस इज इक्वल टू 6,000 इंटू 3 प्लस 8,000 इंटू 9, 90,000। चलो उधर 90,000 तो डाल दो और पर यूनिट बदल जाएगा बेटा अभी तेरा
चलो सेमी वेरिएबल लास्ट टाइम ट्राई करो ना उस चीज का मतलब सोचो फॉर द ईयर एज अ होल एक हिंट दे सकता है ये मत सोचो फर्स्ट थ्री मंथ्स वी आर ऑपरेटिंग एट 50 ये मत सोचो लास्ट नाइन मंथ्स वी आर ऑपरेटिंग एट 80 कुछ एक परसेंटेज निकालो जो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल हो फॉर द ईयर एज अ होल तो फर्स्ट थ्री मंथ्स लास्ट नाइन मंथ्स का मत बात करो एक ही ऐसा परसेंटेज निकालो विच रिप्रेजेंट्स द एंटायर ईयर अभी और मैं नहीं बोल सकता वरना मैं आंसर ही बोल देगा सुनो देखो मेरे को बोलो फर्स्ट थ्री मंथ्स कितने परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हो 50 लास्ट नाइन मंथ्स कितने परसेंटेज के ऊपर 80 ना मेरे को 50 चाहिए ना मेरे को 80 चाहिए मैं क्या बोलता हूँ फैक्ट ऑफ द मैटर इज पूरे साल के अंदर कितने यूनिट्स बनाने वाले हो एक नंबर बोलो 43,500 सो देयरफॉर ध्यान से देखना लिखना मत परसेंटेज कैपेसिटी फॉर द ईयर As a whole is equal to 43,500 divided by 60,000 into 100. ये वाला जो फिगर है तुम्हारा बेटा ये कितना आ जाएगा 72.5% बस Now instead of thinking 50, instead of thinking 80, you can directly think what, sir, I am operating at what level? 72.5% for the entire year. ऐसा क्यों सोचने का? क्योंकि सामने लिखा हुआ है for the year as a whole. तो पूरे साल के बारे में सोचो. तो ultimately उसका मतलब यही हुआ कि पूरे साल के अंदर you will be operating at what level? 72.5%. ठीक है. अब वो जो 50 और 80% वाली लाइन है, सोचो वो है ही नहीं. Now if I tell you, now everybody can reply, boss, and please reply correct only. मेरे को बोलो, if you will be operating at this level throughout the entire year, मेरे को बोलो, how much will be semi-variable over it? 60,000. सबको 60,000 समझ में आ गया? क्यों? अभी मैं ऐसा सोचेगा. Up to 50%. मेरे को बोलो, तब मेरा खर्चा कितने रुपीस का होता है? 50,000 plus extra expense. To increase the capacity from सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलो 50% to 72.5% और एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितने रुपीस का हो जाएगा 10,000 इनफैक्ट अभी तुमको समझ में आएगा अगर वहां पे 10,000 पर एनम होता ना तो भी आंसर इधर 10,000 ही रहता इस सम के ना 10,000 पर एनम नहीं है सेमी वेरिएबल के ना 10,000 पर एनम है क्या नहीं लेकिन अगर 10,000 पर एनम होता तो भी आंसर तुम्हारा यही रहता क्योंकि यू विल बी वर्किंग एट 72.5% आगे बोलो फॉर द होल ईयर ओनली नो तो अगर 10,000 पर एनम भी होता तो भी आंसर वही रहता ना तुम्हारा बेटा पिछली बार मैंने इंटू 9/12 क्यों किया था बोलो पिछली बार इंटू 9/12 क्यों किया था क्योंकि यू आर ऑपरेटिंग एट 80% ओनली फॉर 9 months but now what are we saying we are going to be operating at below 72.5% aage for the whole year to agar 10,000 per annum bhi hota to bhi 72.5% bhi to pure saal ka hi hai na fir tumko samjha jo maine bola to fir bhi tumhara answer yahan pe in all kitne rupees ka aa jata 60,000 aap log copy karo working note to semi variable overheads yahan se leke end tak copy karna
चलो सुनो वापस आ जाओ जो अपना कौशिक वाला वो चैप्टर था वहां के लास्ट टू क्वेश्चन दैट वी ऑल आर डूइंग नाउ पेज नंबर 6.6 तुम्हारा जो आंसर है बेटा तो वो कितना था 17.19 ये 17.19 आ जाता है अब ये जो तीन क्वेश्चन के दीज आर क्वाइट फेमस क्वेश्चन ओके तो इन एनी केस जस्ट ट्राई टू रिमेंबर देम सुनो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ प्लीज दैट इज जस्ट अ सैंपल क्वेश्चन ताकि नाइन्थ क्वेश्चन अपना हो सके ओके तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पढ़िए अ कंपनी प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए एंड बी वन यूनिट ऑफ ए विल रिक्वायर 8 केजीज व्हाइल वन यूनिट ऑफ बी विल रिक्वायर 10 केजीज तो एक यूनिट ऑफ ए बनाने के लिए कितना किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए 8 बी बनाने के लिए 10 तो वो भारी प्रोडक्ट है 1 kg of raw material for product A will be costing 6, while 1 kg of raw material for product B will be costing 8. Again, the company produced 100 units of product A and 150 units of product B. Find material cost for the period for the company. Chalo, theek hai. Ye simple cheez hai. Okay, start kar lete hain. There is nothing for me to explain. Beta, yahan pe kitne products banate hain hum log? Do A and B likho. केजीज पर यूनिट नाउ एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना केजीज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए 8 और यहां पर 10 into cost per kg अच्छा सुनो तो ये 8 किलो तुम मार्केट से खरीद के लेके आएगा बेटा उसका कॉस्ट कितने रुपीस का लग जाएगा तेरे को 6 तो दिस इज रुपीस 6 पर केजी एंड दिस इज हाउ मच रुपीस 8 पर केजी तो एक में अगर कोई तेरे को ऐसा बोलता है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बना तो तेरा कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट कितने रुपीस का लगेगा 48 एक यूनिट ऑफ बी बना कॉस्ट कितने का लग जाएगा 80 दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आगे इनटू मेरे को बोलो ये डायरेक्ट मटेरियल है ये तो पर यूनिट के लिए है ऑब्वियसली टोटल विल डिपेंड अपॉन मेरे को बोलो मटेरियल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस के सोल्ड बोलो प्रोड्यूस सो देयरफॉर इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड दिस इज 100 दिस इज 150 तो दिस इज टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अच्छा ऑब्वियसली ये चंपू क्वेश्चन मैंने क्यों किया ओके अभी क्यों किया ताकि नाइन्थ क्वेश्चन के ना जब ये वाला एडजस्टमेंट आए तुमको समझ में आए अभी ध्यान से सुना मैं क्या बोलने वाला है देखो अभी ये चीज तुमको इस सब्जेक्ट के ना काम में आएगा अकाउंट्स में भी बहुत काम में आएगा तुमको एफएम के अंदर भी बहुत काम में आएगा सुनो बराबर से देखो ये वाला जो तुम्हारा अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है ठीक है अभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा वो लोग ना तुमको टोटल अमाउंट देंगे एंड दे विल टेल यू हम लोग एक प्रोडक्ट नहीं बनाता अभी तक जो भी क्वेश्चंस के ना हर जगह पे एक ही प्रोडक्ट होता है लेकिन कंपनीज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं तो अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो लोग ना तुमको ये वाला कॉस्ट देंगे और तुमको बोलेंगे कि ना कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज बनाओ ठीक है तो मेरे को ए का अलग से कॉस्ट शीट चाहिए बी का अलग से कॉस्ट शीट चाहिए ये प्रोडक्ट अलग है ये प्रोडक्ट अलग है उसका कॉस्ट अलग होएगा उसका कॉस्ट अलग होएगा ठीक है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस के ना क्या करें तुम्हें को 16,800 का दो पार्ट करना पड़ेगा अगर तुम लोग 8 स्टैंडर्ड में होते तो सम तुमको डायरेक्टली बोल देता 16,800 का दो पार्ट है 4,800 और 12,000 फिर तो स्टोरी खत्म हो गई देन दे हैव गिवन यू द ब्रेकअप ओनली ठीक है लेकिन तुम लोग 8 स्टैंडर्ड के अंदर नहीं हो तो तुमको वो लोग ब्रेकअप नहीं देंगे तुमको ब्रेकअप लाना पड़ेगा कैसे लाना पड़ेगा
if they will give you the breakup, okay, or else they might tell you break off this thing in the ratio of 48:120. Tumko samajh mein aayega, then you can do the ratio part to yaar, I can divide it, okay. लेकिन तुम लोग 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी नहीं हो, ना तुमको वैसा डेटा देंगे ना ऐसा डेटा देंगे, तो फिर तुमको कैसा डेटा देंगे? देखो, तुमको ना ये वाले अमाउंट्स देंगे, तुमको ना ये वाला रेशियो देंगे, तो फिर तुमको क्या देंगे? तुमको इंफॉर्मेशन देंगे और उस इंफॉर्मेशन से तुम लोग ये वाला रेशियो तैयार करो, ओके. उसका मतलब सपोज सामने मेरे को ऐसा बोला kgs per unit is in the ratio of 4:5. उन लोगों ने मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए, लेकिन उसके बदले में उन लोगों ने मेरे को क्या दे डाला बेटा? रेशो दे डाला, ठीक है. तो kgs per unit are there in what ratio? 4:5. ये डेटा नहीं दिया, ये डेटा नहीं दिया. उन लोगों ने बोला कॉस्ट पर केजी इज इन द रेशियो ऑफ 3:4. ओके, तो जरा सोचो ये कौन सा रेशियो हो गया केजीस पर यूनिट, ये कौन सा रेशियो हो गया कॉस्ट पर केजी. तो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करके कौन सा रेशियो मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. तो कैन वी से दिस विल बी 12:20, करेक्ट नो? ओके बेटा, ये वाला रेशियो 12:20 है ना यार, ओके. उसके बाद इन दिस केस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, दे विल नॉट टेल यू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज 100 and 150, दे विल टेल यू इट्स रेशियो इज 2:3. ओके, तो तुमको समझ में आ जाएगा सर अपना सारा काम हो गया. 12 × 2 कितना हो जाएगा? 24. ये कितना हो जाएगा? 60. दिस इज नथिंग बट टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. और टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितने का था? 16,800. उसको किस रेशियो के ने डिवाइड कर देने का? 24:60. ऑटोमेटिकली यही वाले नंबर वो आ जाएंगे ना बेटा. ओके, अभी इसके ना मुश्किल क्या है? इसके ना मुश्किल ये है कि ना सम तेरे को डायरेक्ट डेटा नहीं देगा, तुमको अक्कल यूज करना पड़ेगा. एक ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना. सपोज इस क्वेश्चन के अंदर तुमको किस चीज को बाइफरकेट करने का है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. तो तुमको टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक पहुंचना पड़ेगा. ओके, सपोज सम जो है ना तेरे को ये वाला डेटा दे देगा. ये वाला डेटा मतलब सम विल गिव यू केजीस पर यूनिट. सपोज सामने तेरे को केजीस पर यूनिट का रेशो वो दे दिया, फिर तू सोच बेटा मेरे पास ये है लेकिन मेरे को इसका ब्रेकअप नहीं चाहिए. मेरे को किसका ब्रेकअप चाहिए? टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का. तो कंपनी ने किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करके कंपनी यहां तक पहुंचा होगा? जिन जिन चीजों को कंपनी ने मल्टीप्लाई किया, तुम उनकी रेशियोज लो, उनको मल्टीप्लाई करते रहो, एंड के अंदर एक फाइनल रेशियो आ जाएगा. डिवाइड द थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर रेशियो. उसका एक और एग्जांपल देता हूं. अगर सामने कभी तुमको ये वाला रेशियो दिया, फिर तुमको यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए दो और रेशियोज की भी जरूरत पड़ेगी. कौन सी दो रेशियोज बेटा? ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो. तुमको समझ में आता है? अगर सपोज कभी कोई सम वो इजी रहा, वो तेरे को यही वाला रेशियो दे डालेगा. मेरे को बोलो अगर यही वाला रेशियो दे डाला तो फिर बस मेरे को एक और ही रेशियो की जरूरत है. बोलो कौन सी रेशियो? क्वांटिटी प्रोड्यूस. उसका मतलब क्या है? देखो तुमको कहां तक पहुंचने का है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि तुमको उसका बाइफरकेशन चाहिए. ओके, तो तुमको तो यहां तक पहुंचने का है. सो यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. देख लो सम के अंदर कौन सा रेशियो है. अगर जो जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया अगर वो बहुत बड़ा डफर होएगा, फिर वो डायरेक्टली तेरे को यही वाला रेशियो तो वो दे डालेगा. टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इन द रेशियो ऑफ 24:60. यू डिवाइड द थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर रेशियो ओनली. ओके, लेकिन एग्जामिनर्स डफर्स नहीं होते, वो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उनको बहुत अक्कल होता है. ओके, तो लोग तुमको बेकार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, याद रखना अगर सपोज कंपनी डील्स इन मोर देन वन प्रोडक्ट, तो देन दे विल स्टार्ट टू गिव यू टोटल 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 डेटा. यू हैव टू इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर डिवाइड इट इन दिस पर्टिकुलर केस बेस्ड अपॉन सम रेशियो. बस वो रेशियो तक पहुंचना तुम्हारा काम है. देख लो सम के ना कौन सा डेटा है. अगर सम के ना ये डेटा है तो फिर ये वाला रेशियो ढूंढो, ये वाला रेशियो ढूंढो, सबको मल्टीप्लाई करके एक फाइनल रेशियो निकाल लो और फिर उस चीज के ना डिवाइड कर लेना. अगर सम ने कभी तेरे को यहां तक ही पहुंचा दिया, फिर बस एक ही रेशियो ही ढूंढना है, आगे तेरी मर्जी. Now this concept can come for material also. This example was on that. It can come for labor also. It can come for anything. Example, if I ever tell you, sam ne mere ko aisa bola, product A or B, direct labor cost per unit. A ke liye agar 2 lagta hai, B ke liye 3 lagta hai. ठीक है? तो ये वाला रेशो क्या है बेटा? 2:3. ठीक है? लेकिन सम ने तेरे को टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया और वो कंपनी का 1 lakh rupees का था. ठीक है?
तो याद रखना बेटा 1 लाख को इस रेशियो के ना डिवाइड नहीं करने का, ओके? ये कौन सा रेशियो है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ये कौन सा कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट। तो फिर तेरे को सोचना पड़ेगा, सर इधर से इधर तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता है? बोलो किससे मल्टीप्लाई करता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस। सपोज क्वांटिटी प्रोड्यूस इज इन द रेशियो ऑफ 5:8, ओके? तो बेटा फिर तेरा फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा? 10:24। डिवाइड दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस रेशियो। तुमको समझा जो मैं बोला? ओके, ऐसे कर लो द थिंग्स आर ऑल फिनिश्ड, ओके? लेकिन सोचना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अपना लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए, पढ़ो। मेसर्स बाटा शू कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 types ऑफ शूज ए एंड बी। प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March वर डायरेक्ट मटीरियल 15 lakhs, डायरेक्ट वेजेस 8 lakh 40, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 lakh 60। अभी आगे एक कैच है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना लिखा है बेटा? 12 lakh 60। मेरे को बोलो एडमिन के अंदर तो 2 variety हो सकता है, कौन सा? एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है? जनरल। और मेरे को पता लगाना पड़ेगा ना, एक मिनट, मेरे को बोलो अगर पता नहीं लगा पाया तो, ये कौन सा वाला एडमिन होएगा? जनरल। अपना बात हो चुका है, लेकिन ट्राई करेंगे, पहले पूरा का पूरा सम पढ़ेंगे। आगे, There was no WIP at the beginning or at the end of the year. It is ascertained that direct material in type A shoes consists twice as much in type B shoes. ठीक है। The direct wages for type A shoes were 60% of those of type A shoes. Production overheads was, underline करो, same per pair for A and B. आगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर, अंडरलाइन करना, कंसिडर टू वेरी विद डायरेक्ट वेजेस। नाउ दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके? क्योंकि जब मैं ये लाइन पढ़ता हूं ना, मैं सोचता हूं यार एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा वाला होएगा, प्रोडक्शन वाला होएगा कि जनरल वाला होएगा, मैं सोचता है। लेकिन मैंने ये वाला लाइन पढ़ा ना, तो मैं कुछ ना कुछ स्ट्राइक हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर कंसिडर टू वेरी विद, क्या लिखा है बेटा? विद, विद के आगे क्या लिखा है? डायरेक्ट वेजेस। मेरे को जरा बोलो, डायरेक्ट वेजेस आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन के सेल्स, प्रोडक्शन। तो मतलब ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन वॉट? प्रोडक्शन। दिस इज मेन थिंग, ओके? तो अंडरलाइन करो विद डायरेक्ट वेजेस, और आगे लिखो जो मैं तुमको बोलता हूं। दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरिंग विद डायरेक्ट वेजेस। And direct wages is dependent upon production. Full stop. Therefore, even this expense is dependent on production. चलो आगे। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, टाइप ए 40,000 पेयर्स ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड, 1,20,000 पेयर्स ऑफ विच 1 लाख वर सोल्ड, ओके? सेलिंग कॉस्ट वाज 1.5 पर पेयर, मतलब एसएनडी, ओके? सेलिंग कॉस्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस वाज 44 फॉर टाइप ए, 28 फॉर टाइप बी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, सुनो मेरी बात। कॉस्ट शीट स्टार्ट करते हैं, 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी सोल्ड, ओके? मेरे को बोलो टाइप ए शूज का कितना यूनिट्स बना? 40। कितना बिका? अभी ओपनिंग स्टॉक तो था नहीं, ओके? सम के ना ओपनिंग स्टॉक तो देखो कितना आया नहीं, तो कहीं से 40,000 बना, 36,000 बिक गया, तो कहीं से 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, और बी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स का हो जाएगा? 20,000। बस अभी उसके लिए कोई नोट की कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली वहां से डायरेक्टली दिखाई देता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कॉस्ट शीट, लिखो जरा प्लीज। Write down cost sheet for the year ended
for the year ended 31st of March. अच्छा सुनो 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 एक चीज़ अभी तक तुम लोगों ने मेरे ख्याल से लाइन नहीं बनाना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ना दो चीज़ें लिख लो क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन के ना लिखते थे यू ऑल कैन राइट डाउन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स 40,000 36,000 120,000 1,00,000 Now, prime cost add factory overheads. Obviously, this will give you, I'm not writing gross factory cost and net factory cost because there is no WIP stock, write down factory cost. Acha. यहां पर जो एडमिन था बेटा वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन था ना सो देयरफॉर फिर तो वो इधर ही आएगा तो यहां पे लिख सकते हो एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इन ब्रैकेट जस्ट राइट डाउन दैट वर्ड नो प्रोडक्शन तो आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छा एक सेकेंड हम लोग मेरे ख्याल से यूनिट्स लिखते थे कल तक तो एक मिनट कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया बेटा 40,000 और 120,000 एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डैश 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 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अच्छा क्लोजिंग स्टॉक अपना बात हुआ था बेटा 40,000 बनाया था कितना बेचा था 36 तो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 होएगा और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 हो जाएगा
So COGS 36,000, 1 lakh. Add. Selling and distribution overheads. They'll give you cost of sales. Over here, that administration was related to production. So therefore, other administration is not even there also. Now see, few things for which you do not require my help. Okay. Tell me, what are the selling prices for the products, please? 44 and 28. What is 1.5? Somebody spoke 1.5. What is 1.5? It is selling cost. It is S&D, boss. Okay. So I'm talking of selling price. So selling price for A is 44. Write down 44. And over here it is 28. Tell me one thing, to get at the total amount, you will multiply by quantity produced or sold? Sold. So please multiply, get these amounts and total them up in the last column, please. Okay, same way for S&D cost also, 1.5 per pair, 1.5 per pair. It is not different for A and B. So write down 1.5, 1.5, multiply by quantity sold, do the totals. Now this much is done, right? Now some costs are there. Tell me one thing, direct material cost in the textbook is how much? 15 lakh. That is for A, B or total? So write down in total then. 15 lakhs, 8 lakh 40, factory overheads 3 lakh 60. Administration overheads 12 lakh 60. Total it up to the extent you can. 23 lakh 40 thousand, 27 lakhs, 39 lakh 60 thousand. Now, listen, adjustment number A, you have to read, okay, and you have to tell me breakup of 15 lakhs. One small thing, listen, I have been a ranker throughout my entire life, foundation, inter, final, BCom. I don't ask phaltu questions, okay, I ask good questions. Read for 5 minutes, then tell me the answer. It will take time. I did an example before this, so therefore you can think and reply. You reply and then you think.
It'll take time. Think before you reply.
अच्छा सुनो, वर्किंग नोट वन लिखो, डायरेक्ट मटेरियल्स। एक टाइप ए शूज है, एक टाइप बी है और एक टोटल आ जाता है इधर। अभी तुम लोग नहीं लिखना, जो भी आंसर तुम लोगों ने दिया मेरे को नहीं मालूम राइट है कि रॉन्ग है, और अगर राइट भी है तो भी मेरे एक्सप्रेशन से कभी नहीं पता चलता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सुनो, देखो सम के अंदर 2:1 करके लिखा है, वो सबको दिखाई देता है, ठीक है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आता, इज दैट डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट का रेशियो और इज दैट टोटल डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट का रेशियो। मेरे को ये नहीं मालूम कि वो कौन सा रेशियो है। ऑब्वियसली मैं तुम लोगों से क्यों पूछ रहा हूं, अगर तुम लोग ऐसा बोलते हो कि सर वो जो 2:1 है ना ये वाला रेशियो है, तो बेटा याद रखना तेरे को तो ये वाला चाहिए, 15 लाख तो टोटल कॉस्ट है, फिर तेरे को इधर से इधर तक पहुंचना पड़ेगा। मेरे को बोलो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट से टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट तक पहुंचने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितना था बॉस, 40,000 120,000, मतलब कितना था, 1:3। तो अगर तुम लोग ऐसा बोलता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, अगर तुम लोग ऐसा बोलता है सर 2:1 ये वाला रेशो है सर, वो एक एक यूनिट का रेशो है सर, ठीक है, तो बेटा फिर तो तेरे को यहां तक पहुंचने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो 1:3 है, तो फिर तेरा फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3। लेकिन अगर कोई बोलते नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो सर, ओके जो 2:1 है सर वो यही वाला रेशियो है सर, तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देन तो 15 लाख्स विल गेट डिवाइडेड इन व्हाट पर्टिकुलर रेशियो, 2:1। तुमको समझा जो मैंने बोला, अल्टीमेटली तुमको कौन सा कॉस्ट डिवाइड करने का है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नो, तो तुमको यहीं तक पहुंचने का है, तो ये 2:1 कौन सा रेशियो है मेरे को नहीं मालूम। ओके अब मेरे को जरा बोलो वो जो 2:1 टेक्स्ट बुक के अंदर है वो कौन सा वाला रेशियो है, पर यूनिट रेशियो है कि टोटल रेशियो है। नो अभी तुम लोग को वो वाला चीज समझ में आ गया, मेरे को बोलो क्यों, तुमको कैसे मालूम, उधर थोड़ी लिखा हुआ है, तुमको कैसे मालूम, क्योंकि तुम लोगों ने दूसरा आंसर दिया वो गलत हो गया, इसके लिए टोटल नहीं लिखा, लेकिन पर यूनिट भी नहीं लिखा ना मैडम। बेटा ऐसा हो सकता है बी का अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस ज्यादा है लेकिन उसके ना मटेरियल कम है, ऐसा तो हो सकता है। एग्जांपल जो प्रोडक्ट ए है वो हाथी का जूता है, ओके जो प्रोडक्ट बी है वो तेरा जूता है, तेरे अंदर कम मटेरियल जाएगा, हाथी वाले के ना बहुत ज्यादा मटेरियल, ऐसा हो सकता है ना, मतलब ये थोड़ी है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो बंदे हाइट के ना छोटे होते हैं उनके अंदर भी अक्ल तो बहुत होता है ना, ओके तो इसके लिए यू कैन नॉट ट्राई टू से हाइट ज्यादा तो अक्ल ज्यादा, ऐसा थोड़ी होता है। अब मेरे को तुम लोग बोलो उधर तो नहीं लिखा हुआ ना पर यूनिट का रेशो है, तुमको कैसे पता चल गया पर यूनिट का रेशो है, उधर तो नहीं लिखा, मेरे को मालूम है कि टोटल भी नहीं लिखा लेकिन पर यूनिट भी तो नहीं लिखा। बोला करो रॉन्ग होएगा तो भी चलेगा, वो बोला करो 2:1 कौन सा रेशियो है, पर यूनिट रेशियो है कि टोटल रेशियो है, बोलो। तुमको आज ही बोलना पड़ेगा, लेक्चर तो खत्म करने का ही है, बोलो। बट वी कैनॉट इवन ऐसे कंसिडर पर यूनिट ऑल्सो नो, जो तू बोलते तुम्हें उल्टा भी तो बोल सकता है ना वो, उसके लिए सुनो कार्टून्स इधर देखो बेटा, कौन से कॉस्ट का बात चल रहा है, ये चला के बोलो ये कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल खुद का मतलब क्या होता है सर, इट इज अ कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट।
जब मैंने कल कॉस्ट वगैरह से स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट थिंग, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो हर यूनिट के लिए लगता है. डायरेक्ट मटेरियल हर यूनिट के लिए लगता है, डायरेक्ट लेबर हर यूनिट. तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है. वो लोग कभी भी मटेरियल का डेटा देगा, बाई डिफॉल्ट वो पर यूनिट ही होगा, क्योंकि वो कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? दीज आर इनकर्ड फॉर ईच एंड एवरी यूनिट. अगर सपोज मैं तुमको ऐसा बोलूं तो ये मेरा एक बुक, ओके, और ये मेरा दूसरा बुक, ठीक है, फॉर फाइनल सी ए, ओके. नाउ इफ आई टेल यू एवर, ओके, बराबर से देखना, ओके, अकल यूज करना. दिस बुक हैज ट्वाइस द मटेरियल एज कंपेयर टू द अदर बुक. इफ आई टेल यू लाइक दिस, उसका मतलब क्या है? मैं एक एक बुक का ही बात करता ना. दिस बुक हैज ट्वाइस द पेपर एज दिस पर्टिकुलर बुक, ओके. अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं, मतलब एक एक बुक ही दिमाग में आता है ना, एक बुक के अंदर डबल मटेरियल एज कंपेयर टू दिस. में ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि कौन से कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का खुद का मतलब क्या होता है? दीज आर द कॉस्ट जो हर यूनिट के लिए लगता है. तो ये वाला जो उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कौन सी चीज का होएगा? एक एक यूनिट का ही होएगा. अगर एक यूनिट के अंदर इधर एक रुपए का मटेरियल जाता है, तो इधर कितने रुपए का जाता है? टू. ये वाला डेटा पर यूनिट ही होएगा. कैसे पता चला? बोलो, कैसे पता चला? क्योंकि ये कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट का जो भी डेटा दिया रहेगा, हमेशा वो बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटा होगा? पर यूनिट, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट हर यूनिट के लिए लगता है. अरे तुमको समझ में आता है? सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस, कौन सा रेशियो 2:1 है? अभी चिल्ला के बोलो, कौन सा रेशियो 2:1 है? डायरेक्ट मटीरियल पर यूनिट. लिखो इधर 2:1. तो ये वाला रेशो 2:3 हो जाएगा. बाकी कैलकुलेशन बाद में करना, वर्किंग नोट 2 पे आओ. डायरेक्ट लेबर एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ो. द डायरेक्ट लेबर फॉर टाइप बी शूज वॉज 60% ऑफ दोज ऑफ टाइप ए शूज. तो बेटा अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 60. मेरे को बोलो, ये डायरेक्ट लेबर का डेटा है, लेकिन ये डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का डेटा है कि टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का डेटा है? अभी हार्ट अटैक मत दो मेरे को, बोलो ये पर यूनिट का डेटा है कि टोटल डेटा है? कैसे पता चल गया? क्योंकि ये कौन सा कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट. लिखो इधर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. हंड्रेड इज टू 180 और टोटल कॉस्ट बेटा तुम्हारा कितना था? 840 था. बाद में उस रेशो के ना डिवाइड कर लेना. अभी आगे चलते हैं. सुनो डीएम और डीएल के बारे में ना, वो लोग तेरे को बताने की उनको जरूरत नहीं है. वो जो भी डेटा होएगा पर यूनिट डेटा ही होएगा. लेकिन याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कोई भी ओवरहेड्स हुआ, वो लोग तुमको बताएगा ही बताएगा कि वो पर यूनिट रेशो है कि टोटल, क्योंकि ओवरहेड्स तो कैसा भी हो सकता है. तो सम के ना जरा पढ़ो एडजस्टमेंट नंबर सी. प्रोडक्शन ओवरहेड्स वॉज, चिल्ला चिल्ला के बोलो क्या लिखा है? वॉज सेम. आगे पर पेयर फॉर ए यूनिट. तो कैन वी से एक जूता अगर टाइप ए का लेगा, एक जूता अगर टाइप बी का लेगा, तो तेरा प्रोडक्शन ओवरहेड सेम लगेगा ऑब्वियसली. मतलब दिस इज द प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट. नो बेटा, लिखा है ना पर पेयर. ओके, वन यूनिट इज वन पेयर. नो यार, ओके. तो यहां पर अभी लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स. तो दिस इज ए, दिस इज बी. तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट है. पर यूनिट का रेशियो सेम है, मतलब 1:1 है. लेकिन एक सेकेंड, तेरे को इसको डिवाइड नहीं करने का है. तेरे को किसको डिवाइड करने का है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स को. तो मेरे को बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट से टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स तक पहुंचने के लिए किसे मल्टीप्लाई करने का बेटा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड 1:3. और टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितने का था? 3,60,000. आगे
Administration overheads are considered to vary with direct wages. तो यहाँ पे लिख के रख लेना administration overheads. अभी ध्यान से सुना last adjustment है. बोलो क्या बोलता है? Administration vary करता है किस चीज के ऊपर से? Direct labor. तो मैं क्या बोलता हूँ? मतलब जिस product के लिए labor cost ज़्यादा, उस product के लिए administration overheads भी ज़्यादा. मतलब whatever ratio you have calculated for direct labor will be applicable for admin overheads also, क्योंकि it is varying with direct wages. Okay, so therefore in this particular case यहाँ पे कुछ calculation मत करना, बस लिख देना same as direct labor, that is 100:180. बस सुनो, अभी तुम लोगों कैलकुलेटर के ऊपर काम है, अच्छे तरीके से करना. योर बुक शुड बी नीट, प्लीज कैंसल मत किया करो. सुनो मेरी बात, 15 लाख का ब्रेकअप तुम्हारे पास रेशो आ चुका है, 8,40,000 का ब्रेकअप, 3,60,000 का ब्रेकअप, ये वाला ब्रेकअप. सुनो सुनो सुनो, पहले वो सुन लो फिर उसके बाद काम स्टार्ट करो. टोटल 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 पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट, ये सब निकालने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी डिवाइडिंग बाय विच क्वांटिटी बेटा, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, कल तक वही करते थे ना अपन लोग. ठीक है, सेम थिंग फॉर बी ऑल्सो. सुनो सुनो सुनो, मेरे को बोलो बाय डिफॉल्ट यू ऑल फॉलो विच मेथड? फीफो. तो सुनो, कल तक याद करो यही करते थे सर, ये वाला नंबर इधर कॉपी पेस्ट करेगा, करेक्ट नो? और उसके बाद इस नंबर को क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके ये वाला फिगर आ जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक है तो प्लीज ब्रैकेट के अंदर डालना. सेम वे ये वाला नंबर इधर कॉपी करेगा, उसके बाद 20,000 से मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला फिगर इधर आ जाएगा. दिस नंबर प्लस दिस नंबर विल गिव यू दिस पर्टिकुलर नंबर. ठीक है, तुम्हारा इतना काम हो जाएगा. एक बार तुम्हारा इतना काम हो जाएगा, फिर COGS 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 डिवाइड दिस फिगर बाय COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करने का बेटा? क्वांटिटी सोल्ड. तो 36,000 से डिवाइड करना, ये वाला फिगर मिल जाएगा. 1,00,000 से डिवाइड करना, ये वाला फिगर मिल जाएगा. ये सब कुछ हो जाएगा, यहां तक पहुंच जाओगे. प्रॉफिट्स आर गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर. ओके, आप लोग स्टार्ट करो, खत्म करो प्लीज.
Listen, just one or two things. Okay, those people who have done, just pay attention to this and then it is all over. देखो, दो चीजें आपको समझ में आएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे रेशियोज के ना लिखा ना, एग्जैक्टली सेम चीज तुमको यहां पर भी दिखाई दे रहा है. ये 2:3 वाला रेशियो ऑब्वियसली टोटल रेशियो है, तो इधर 6 लाख और 9 लाख आया, वो तो कॉमन सेंस है. बट ऑब्वियसली एक और चीज, पर यूनिट रेशियो कितना था? 2:1. तुमको पर यूनिट रेशियो 2:1 इधर दिखाई दे रहा होगा. तुम्हारा फिगर्स 15 और 7.5 ही था. ओके, सेम थिंग यहां के लिए भी होगा. सेम थिंग यहां पे भी तुम्हारा पर यूनिट सेम ही आया, क्योंकि पर यूनिट वाला रेशियो कितना था? 1:1. तुमको समझ में आता है? ओके, ये वाली चीजें खुद ब खुद ही होंगी, क्योंकि इन एनी पर्टिकुलर केस उसी के हिसाब से तो कैलकुलेशन किया हुआ है. तुमको समझा जो मैंने बोला? अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज अभी तुमको मेरे को बोलने का है. मेरे को जरा बोलो, इधर 36 था तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक भी 36 के ऊपर ही वैल्यू हुआ. तुम्हारा COGS भी 36 पर यूनिट ही आएगा. ऑनेस्टली निकालने की भी जरूरत नहीं है. मेरे को बोलो क्यों. मेरे को कोई बंदा एक रीजन देना, अच्छा सा रीजन. क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं था. जरा सोचो, तुम लोगों ने 40,000 यूनिट बनाए, तुम्हारा कॉस्ट कितना था? 36. उसी के अंदर से 4,000 नहीं बिके, उसका कॉस्ट कितना था? 36. कहने से उसी के अंदर से 36,000 बिके. ऑब्वियसली कैन वी से ये 36 भी इसी के अंदर से था ना यार. ये एक मिनट, COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट यू हैव सोल्ड. सर, जो भी यूनिट्स मैंने बेचे उसका भी कॉस्ट 36 ही आएगा ना यार. मेरे को बोलो, कल तक ऐसा नहीं होता था. कल तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर ऐसा नहीं हुआ था. मेरे को बोलो क्यों. क्योंकि तभी ओपनिंग स्टॉक था, तो जो यूनिट्स बिकता था वो ओपनिंग स्टॉक के अंदर से भी बिकता था, और जो करंट ईयर प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर से भी बिकता था. मैं बाइफर्केशन करके कल दिखाया था, याद है तुम लोगों को? तो इन दैट पर्टिकुलर केस तभी अलग अलग आता है. ओके, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो फिगर इधर आएगा वही फिगर इधर भी आएगा, वही फिगर इधर भी आएगा, वही वाला चीज इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है. ठीक है, एक बार आप लोग का आंसर 7,84,000 वो आ गया, दैट्स इट. हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. Thank you.